हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक फॉर टुडे इज केमिकल काइनेटिक्स। और हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स को लेना होता है। नंबर वन थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड वन इज द केमिकल काइनेटिक्स। क्या है दोनों में फर्क? थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है क्या है फिजिबिलिटी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है और किन कंडीशन में वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है। लेकिन क्या कमी है उसमें कि ये बताता नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। तो क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली डेल्टा जी नेगेटिव होना मतलब कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन देर आर सो मैनी रिएक्शन जिनमें कि डेल्टा जी नेगेटिव है लेकिन कुछ रिएक्शन स्लो है और कुछ रिएक्शन फास्ट है। तो अब ये रिएक्शन स्लो एंड फास्ट क्यों है इसको हम समझ सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, स्लो और फास्ट, एंड डिफरेंट फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट मे बी द मैकेनिज्म थ्रू विच ए रिएक्शन मे प्रोसीड। तो किस तरीके से क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है उसकी मैकेनिज्म और कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित कर सकते हैं, इस सब को हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझने पड़ेंगे टॉपिक्स। नंबर वन जो हमने अभी समझ लिया है, नंबर टू रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकोमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स क्वालिटेटिवली कई बार टाइम नोट करते हैं कितने टाइम में रिएक्टेंट डिसअपीयर हो गया, प्रोडक्ट अपीयर हो गया, कितने टाइम में रिएक्टेंट का कलर चेंज हो गया। कलर चेंज के साथ क्वांटिटी के साथ हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं और ये है क्वालिटेटिव स्टडी। लेकिन क्वांटिटेटिवली रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हमें उसका अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन को कंसिडर करना पड़ता है। कितना अमाउंट डिसअपीयर हुआ, कितना अमाउंट बना, कितने टाइम में ये प्रोसेस हुआ, इसको स्टडी करने के लिए हम कहेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यहां पर हम केवल अमाउंट की बात कर रहे हैं, कितने अमाउंट, कितने मोल्स, कितने ग्राम, कितने टाइम में चेंज हुए, डिसअपीयर हुए या अपीयर हुए। लेकिन दूसरी कंडीशन आती है कंसंट्रेशन वाइज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। किसी दिए हुए टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है कि उस टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या चेंज हुई या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज है, ये कहलाता है रेट ऑफ द रिएक्शन। सो रेट मींस चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना कंसंट्रेशन में चेंज है, मोल्स पर लीटर, और कितने टाइम में, तो ये हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। नंबर टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी बताया जा सकता है, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस विद टाइम। स्टार्टिंग में हमेशा रिएक्टेंट ज्यादा होता है, जैसे टाइम आगे बढ़ता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाता है। दूसरी तरफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। सो रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सपोज कोई रिएक्टेंट है ए एंड चेंजेस इनटू प्रोडक्ट बी, सो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
हो सकती है कंसंट्रेशन ऑफ ए वन एंड फाइनल कंसंट्रेशन में भी ए टू. चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल डिवाइड बाय टाइम. अब ये जो वैल्यू होगी ये माइनस में होगी, इसको हम कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये होगी माइनस. क्यों होगी माइनस में? इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा थी और फाइनल कंसंट्रेशन कम हो जाती है. तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स वो होगा रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम. रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइनल माइनस बी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी, सो ये वैल्यू रहेगी पॉजिटिव में और इसका साइन होगा पॉजिटिव साइन चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम. रेट ऑफ रिएक्शन चाहे डिक्रीज होने का हो या इंक्रीज होने का हो, वो दोनों ही तरीके से दिया जा सकता है. विदाउट साइन अगर हम लेंगे तो भी वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, साइन के साथ लेंगे तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के साथ हम उसको शो कर सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इस कर्व के थ्रू दिया जा सकता है. वेल कंसंट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में जब एक कर्व बनाया जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा, तो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जब हम रिएक्टेंट को स्टडी करते हैं उसकी कंसंट्रेशन में चेंज को स्टडी करते हैं तो ग्राफ हमें इस तरीके से मिलेगा जिसमें कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कम होती जा रही है. सपोज हमने कहा कि यह टाइम टी वन है जिसमें कि हमने पहले टाइम पर यह रिएक्शन था तो कंसंट्रेशन थी ज्यादा, ये थी कंसंट्रेशन नंबर वन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नंबर वन. और अगर हम टाइम टी पर यानी कुछ टाइम के बाद इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन होगी इस जगह पर, तो हम ये मान सकते हैं कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कम होती जा रही है. लेकिन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जब हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो ग्राफ हमें मिलेगा इस तरीके से, कर्व हमें इस टाइप से मिलेगा जिसमें क्लियर दिखाई देता है कि टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होने लगती है. तो हम दिन दोनों कर्व्स को एक साथ भी शो कर सकते हैं कि जब हम विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लेते हैं तो ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो ग्राफ हमें इस तरीके से मिलेगा. अब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, दोनों तरफ हो सकती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकते हैं, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज होता जाएगा, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी. लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब लगता है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में चल रही है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और ये कंडीशन कहलाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं. रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे शो कर सकते हैं? कंसीडर द रिएक्शन रिएक्टेंट ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट बी. यहां पर रेट एक्सप्रेशन को शो करने का मतलब है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम इंटरवल इज इक्वल टू डेल्टा टी चेंज इन टाइम. तो रेट होगा इक्वल टू नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी. साथ ही साथ जब हम विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट स्टडी करेंगे तो रेट होगा चेंज इन कंसंट्रेशन मींस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन. स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. स्मॉल इंटरवल मींस टी वन टाइम एंड टी टू दीज आर टू टाइम्स एंड कंसंट्रेशन चेंज इज एक्स वन एंड एक्स टू, इनिशियल इज एक्स वन फाइनल इज एक्स टू.
तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा चेंज इन कंसंट्रेशन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाय डेल्टा टी मीन्स टी टू माइनस टी वन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ये हमने जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमने देखा है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो कैसे हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन दे सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बना सकते हैं और हम किस तरीके से इसको समझा सकते हैं जब हमारे सामने एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो और हमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी अकॉर्डिंगली देना हो सकता है। कंसिडर द रिएक्शन PCl5 decomposes to give PCl3 plus Cl2. So it is reactant, these are the products and these all are present in ratio of 1:1:1. So इसके अगर चेंज इन कंसेंट्रेशन आता है तो वो भी वन टाइम होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन PCl3 बनता है वो भी वन टाइम होगा। तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन दिया जा सकता है सभी के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू डेल्टा PCl5 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और ये होगी माइनस साइन के साथ। सो विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव साइन के साथ होगा, वैल्यू सही है बट ये रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। और विद रेस्पेक्ट टू PCl3 रेट को हम दे सकते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा टी विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन इट विल बी डेल्टा टी। अब हम इस केस में PCl5 हो या PCl3 हो या फिर Cl2 किसी के भी अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे और सभी के रेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब स्टोइकोमेट्रिक नंबर 1:1 के रेशियो में नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकोमेट्रिक को कंसिडर करते हुए हमें रेट ऑफ एक्सप्रेशन शो करने हैं। तो एक एग्जाम्पल लेंगे इसमें, एच आई डिकम्पोजेस टू गिव एच टू प्लस आई टू गैस एंड बैलेंसिंग के अकॉर्डिंगली इट इज बैलेंस्ड एज टू एच आई गिव्स एच टू एंड आई टू। सो व्हेन वी फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एच आई मीन्स नेगेटिव डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी और इसको हम कंपेयर करेंगे एच टू और आई टू के रेट के साथ, तो नेचुरल है कि रेट विल नॉट बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच टू अपॉन डेल्टा टी नहीं होगा इक्वल डेल्टा आई टू ओब्लिक डेल्टा टी, क्योंकि जब हम रिएक्शन करा रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एच आई टू टाइम्स डिकम्पोज होगा तब एच टू एंड आई टू वन टाइम प्रोड्यूस होंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। हाउ कैन वी इक्वलाइज द रेट एक्सप्रेशन, कैसे इक्वलाइज करेंगे हम इसको, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी इक्वलाइज्ड, बराबर किए जा सकते हैं उनके रेट एक्सप्रेशन को उस स्टोइकोमेट्रिक नंबर से डिवाइड करके जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन में हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने लिखा हुआ है। रेट एक्सप्रेशंस कैन बी इक्वलाइज्ड बाय डिवाइडिंग द रेट एक्सप्रेशंस बाय द नंबर एज गिवन इन द बैलेंस्ड इक्वेशन बाय डिवाइडिंग विद दिस नंबर इक्वल टू डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा आई टू अपॉन डेल्टा टी। अब चाहे तो हम एच आई के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें या फिर एच टू को कंसिडर करें या फिर आई टू के हिसाब से निकालें, हर टाइम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम अलग अलग रिएक्शंस के लिए रेट एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन दैट कैन बी अगेन एक्सप्लेन बाय वन मोर एग्जाम्पल विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया। रेट एक्सप्रेशन मे बी गिवन एज दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन
डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी एंड विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया इट विल बी 1/2 डेल्टा अमोनिया. सो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जिसको भी हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे डेल्टा एन टू बाई डेल्टा टी दिस टर्म विल बी इक्वल टू विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दे सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.